एक्वा स्टार नहीं है क्या? घर लिया ये एक्वा स्टार ईपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम, ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट, एक्वा स्टार। महाराष्ट्र शिरडी में मार्शल आर्ट फेडरेशन इंडिया द्वारा आयोजित सब जूनियर और जूनियर लड़कों और लड़कियों की 24वीं राष्ट्रीय स्क्वेयर मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में दीपो की टीम ने उम्दा प्रदर्शन करते हुए 32 स्वर्ण 12 रजत तथा 6 कांस्य पदक हासिल किया है। सोमवार को खिलाड़ियों के एयरपोर्ट उतरने पर जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्क्वेयर मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में खिलाड़ियों और अधिकारियों सहित 33 सदस्यों वाले स्क्वेयर मार्शल आर्ट टीम ने हिस्सा लिया था। प्रतियोगिता 18 जनवरी से 21 जनवरी तक आयोजित की गई थी। एज़ यूजुअल हम लोगों का ये टीम जो है काफ़ी मेहनत करने के बाद आज ये जो खुशी का माहौल आज बना हुआ है, और ख़ास करके आज का इस प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पे हमारे बच्चों ने भी जो जीत हासिल किया है, ये राम जी की कृपा है और मेहनत का फल है कि आज हमारे बच्चे जो 25 बच्चे जो है सारे के सारे बच्चे मेडल के साथ आए हुए हैं, गोल्ड मेडल, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल के साथ। और साथ ही साथ हमारा एक बच्चा जो है चैंपियन ऑफ चैंपियन का ट्रॉफी भी जीता है। ये कोई आसान काम तो है ही नहीं, आप लोग पता होगा अंडर 18 बॉयज़ में जो है हमारा एक बच्चा सफिक शेख बोल के जो है इसने चैंपियन ऑफ चैंपियन को ट्रॉफी जीता है। और साथ ही साथ हमारी पूरी टीम का जो है ऑल इंडिया लेवल पे 18 स्टेटों के बीच में हमारा अंडमान निकोबार का टीम, 25 बच्चों का टीम ओवरऑल जो रनर्स ट्रॉफी होता है वो सेकेंड पोजिशन रनर्स ट्रॉफी जीता है। ये सुबह शाम के मेहनत का ही फल है, उससे ज़्यादा और कुछ बोलने का नहीं है। और हम निरंतर इसमें अभ्यास करते रहते हैं और हमारा एक मकसद रहता है हर बार हमारे बच्चों का जो है जो ये कामयाबी जो है अंडमान निकोबार के नाम के लिए जो है अंडमान निकोबार का नाम को रोशन करने के लिए जो हम लगे हुए हैं, हमारे बच्चे जो लगे हुए हैं, ये लगातार आगे भी चलता रहेगा। आप सभी बड़े लोगों के आशीर्वाद के साथ हमारा ये कार्यक्रम आगे भी चलता रहेगा। ये कार्यक्रम हम लोगों का ये जो सब जूनियर कैडेट और जूनियर्स का जो चैंपियनशिप जो हुआ था ये महाराष्ट्र में शिरडी, प्रॉपर शिरडी में हुआ था। 18 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक, 20 तारीख तक था, 21 को क्लोजिंग था। उसके बाद बच्चे आज हमारे यहाँ पे वापस आए हैं, 17 को गए थे, 21 को वापस आए हैं, बयार जाके बयार आए हैं। शफीक शेख, शफीक शेख, शफीक शेख, अंडर 18 पे चैंपियन ऑफ चैंपियन ट्रॉफी, बहुत खुशी है। तो आगे का आपको क्या नेक्स्ट, आपका टारगेट क्या? टारगेट वही सेम, इसी को बरकरार रखना है, अपना रोक के रखेगा। अच्छा लग रहा है। सुदीक्षा दास, गोल्ड और ब्राउन्स करेंगे और भी अच्छा से। जी सर नमस्ते, बहुत बढ़िया टूर्नामेंट था, बच्चे ने बहुत सारा मेहनत किया है। इनका जो सुबह शाम का जो मेहनत है, पेरेंट्स का, सबका मेहनत लगा है इस पर, मास्टर का, कोच सबका। को सुबह 3:30 बजे से ट्रेनिंग चल रहा था हमारा,
3 से लेकर 7 बजे स्कूल भी जाना, ट्रेनिंग भी करना, इवनिंग भी ट्रेनिंग करना, सब कुछ होते हुए भी इतना बच्चे लोग इतना बहुत बढ़िया। वहाँ का टेम्परेचर भी जो आपका थोड़ा अंडमान क्लाइमेट के बहुत ठंड बहुत ज़्यादा थी, उसके बावजूद भी बच्चे ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया। देखिए आप लोगों ने जैसे देख सकते हैं, हमने ऑल ओवर इंडिया पे सेकंड रनर अप आए हैं, ऑल ओवर इंडिया पे हमने टूर्नामेंट पे सेकंड रनर अप आए हैं और ये बच्चे ने चैंपियन ऑफ चैंपियन भी जीता है, तो बहुत खुश हूँ मैं। आगे का हम यही चाहते हैं कि सेकंड से ऐसे फर्स्ट में आए, फर्स्ट से ऑल इंडिया ट्रॉफी जीते हैं, बच्चे को और मेहनत करें जी कि ये बच्चे अपना पढ़ाई और गेम पे ही मेहनत करें, बाकी जो है यहाँ में जो घूमना फिरना जो भी कर रहे हैं डिस्ट्रैक्ट एक्टिव फ़ोन में लगे इस सब दूर रहे, गेम पे फोकस करें, इंटरनेशनल इवेंट्स पे इंडिया को रिप्रेजेंट करने का यही हमारा ख्वाहिश है। थैंक यू सर। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।